बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल चैंप्स, सबको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और सलाम अर्ज़ करने के बाद मैं एडवांस सबसे माजरत कर लेता हूँ, एडवांस सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आज हम सारे जिसे इग्नोर कर रहे हैं, जिसे ना तो हमारी गवर्नमेंट एक इशू बना रही है, हालांकि वो बहुत बड़ा इशू है मुसलमानों के लिए, कम से कम बहुत बड़ा इशू है, जिसे ना पब्लिक ऑफ पाकिस्तान इशू बना रही है, बल्कि जो जिस काम में लगा हुआ है उसके लिए उसका काम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उस काम में लगा हुआ है, खुबा हुआ है, ऐसे कोई परवाह नहीं इर्द गिर्द किया हो रहा है। इसलिए मैं सबसे एडवांस माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी कोई बात किसी को चुभे। बात कुछ इस तरह है कि हॉलैंड के अंदर कुछ हबीस लोग हैं जो अपनी हबासत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। वो तो हैं गैर, उनसे मुझे गिला नहीं है, क्योंकि मैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो हबीस हैं, हबीस हबासत ही फैलाएगा ना। मैं जो ये पैगाम रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ इसके चार मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं जो हमारी पाकिस्तान की जो फौज है, जिनके ऊपर हम अपनी जान कुर्बान करते हैं, जिनके ऊपर हम अपनी जान कुर्बान करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि इंतहा नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो जो एटम बम आपने बनाया है वो हमारे ऊपर चला दो, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान पे चला दो, और अगर ऐसा नहीं करना तो खुदा आइए मेरे हाथ देखें, हॉलैंड के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के ऊपर जो गुस्ताहाना हाके छपने जा रहे हैं, या उन्हें रोक लो। ये कंप्रोमाइज करने वाली बात नहीं है, हमें हीरो बनने का कोई शौक नहीं है। मैं एक आम शहरी हूँ, लेकिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई वली हूँ, मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा इधर, मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ, लेकिन मैं जो मुसलमान है, मैं मुसलमानों की तरफ से ये मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि यार ये काम जो है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज हमारे जितने एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितनी मुसलमान सेलेब्रिटीज़ हैं, मुझे फेसबुक के ऊपर, मुझे सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे कहीं पर किसी का एक मैसेज रिकॉर्ड हुआ नहीं मिला जिसने इस चीज़ को इशू बनाया हो, जिसने इस चीज़ पर एतराज़ किया हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोज़ के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अंदर आज भी माएँ वो बच्चे पैदा कर रही हैं जो गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह शहीद की तरह के हैं। हम अपनी जान तो देना आसान समझते हैं, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुझे बहुत अफसोस है और मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के ऊपर, और मैं उन सेलेब्रिटीज़ को भी शर्म दिलाता हूँ, मैं उन क्रिकेटर्स को भी शर्म दिलाता हूँ, मैं उन सेलेब्रिटीज़ जिन्हें अल्लाह ने पहचान दी, रसूलुल्लाह के सदक़े में पहचान दी, वो क्रिकेटर्स जो साल का करोड़ों कमा रहे हैं, रसूलुल्लाह का सदका खा रहे हैं, पूरी उम्मत रसूलुल्लाह का सदका खा रही है, और सदका खाने के बाद सारे के सारे इस तरह हमोश जिस तरह जानते ही नहीं हैं क्या हो रहा है। किसी एक क्रिकेटर ने, किसी एक सेलेब्रिटी ने, किसी एक एंकर ने, किसी एक सहाफ़ी ने, किसी एक सियासतदान ने, बेशक वो गवर्नमेंट में हो, बेशक गवर्नमेंट में ना हो, मेरा पैगाम कितने लोग सुन सकते हैं। मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं फेसबुक के ऊपर ऐसे पेजेस देखता हूँ जिनके जनाब 10-10 लाख, 50-50 लाख जो है वो फैन फॉलोइंग है। मैं ऐसी सेलिब्रिटीज़ को जानता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पर खुद भी फॉलो किया है, जिनकी 10-10 मिलियन की फ़ैन फॉलोइंग है, जिनकी एक पोस्ट चढ़ती है और वो एक मिनट के अंदर इतनी वायरल होती है कि इंतहा नहीं। आप सब जानते हो यार, आप सब सोशल मीडिया यूज़ करते हो, और मैं उन सब को शर्म दिलाना चाहता हूँ कि यार जिसका सदका खा रहे हो, जिसका दिया हुआ खा रहे हो, आज जिसके सदके ये कायनात के निज़ाम चल रहे हैं, आज जिसके सदके अल्लाह ने मेरे आपके चेहरे छुपाए हुए हैं, मेरे आपके जो ऐब हैं अल्लाह ने वो छुपाए हुए हैं, जिसके सदके अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम को चलाया हुआ है, आज उसके लिए खड़े होने का टाइम आ गया है। कोई बंदा नहीं बोल रहा, कोई मजाल है क्योंकि बोले, कोई सियासतदान ही बोले यार, और जो सियासतदान के सपोर्टर्स हैं आज तुम लोग ही बोलो यार। वैसे तो एक दूसरे के साथ जो है अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया है, सियासत के पीछे रिश्तेदारियां तोड़ दी हैं, कत्लो गारत भी आ गए हैं। आज जब जिस जगह पे खड़े होने का जो है वो ज़रूरत है, जहाँ पे मौके खड़े होने का, वहाँ कोई बंदा, कोई सियासतदान, कोई सेलेब्रिटी, कोई क्रिकेटर, कोई सहाफ़ी, कोई बंदा बोल ही नहीं रहा, कोई बंदा टस से मास ही नहीं हो रहा।
यार कि आर्मी में से हमारे जो जवान हैं, हम जिनके पीछे अपनी जान देते हैं, हम जिनकी इतनी इज्जत करते हैं, कोई तो बोलो, कोई तो जाके उन्हें रोको। अगर आप लोग ये कर भी रहे हो तो कम से कम हमें भी तो बताओ, ताकि हमें सुकून आ जाए कि तुम लोग खड़े हो चुके हो कि हाँ रसूल अल्लाह की नामोज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज नहीं तो कल मरना है, आज नहीं तो कल अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। जवाब देना पड़ेगा, इस बात को जहन में रख लो, जवाब देना पड़ेगा। जो नबी पूरी पूरी रात मेरे और तुम्हारे लिए रो रो के दुआएं मांगते थे, आज उनकी इज्जत पे बात आई है तो सारे खामोश हो। हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ अता की, जो वो मांगे तो फौरन कबूल हो। वैसे तो नबियों की सब दुआएं कबूल होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहिम हाथों में है और आखिरी हालत में है, जो है आप जो है इस कदर शिद्दत से रो रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको जो है एक दुआ दी है, आप अपनी बेटी की ज़िंदगी क्यों नहीं मांग लेते? तो आपने क्या फरमाया? नहीं, वो दुआ मैंने संभाल के रखी है, कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफात मांगूंगा। किस उम्मत के लिए? मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस उम्मत के लिए जो रसूलल्लाह की नमूस के ऊपर बात आई है, जिसे परवाह ही कोई नहीं, ठंडे या होके बैठती हूँ मैं। हम लोग मरना है, सिर्फ इतना कहूँगा, मरना है। जबर 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 ना बनो, जेर बनो, क्योंकि कल पेश होना है। मैं जितना भी बोलूँ मेरे जज्बात ठंडे नहीं होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, बेशक मैं किसी सियासी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, जो गवर्नमेंट में है उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो गवर्नमेंट से जा चुकी है उनसे भी रिक्वेस्ट है, मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है, आप सबको सल्यूट है। आप सबसे गुजारिश है, हमने आपको अपना बड़ा माना हुआ है, हमने आपको अपना बड़ा बनाया हुआ है, बड़ों वाला काम करो, खुदारा बड़ों वाला काम करो, नहीं तो जो एटम बम बनाया हुआ है हम पर चला दो, हमें तुमसे कोई गिला नहीं। अस्सलामु अलैकुम।